दोस्तों नमस्कार, सभी दोस्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में मुहूर्त ट्रेडिंग को बहुत ही महत्व है, तो ये मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है, मुहूर्त ट्रेडिंग में हमको क्या करना चाहिए, इसका टाइमिंग क्या होता है, इसमें कौन से शेयर बाय करनी चाहिए, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो आगे तक देखते रहिए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोला हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मुहूर्त ट्रेडिंग। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लास्ट में 17 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ, तो बहुत सारे मुहूर्त ट्रेडिंग के जो ये थे मूवमेंट मैंने देखे हुए हैं। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए और कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए और ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले देखते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है। तो जैसे कि स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडिशन है कि लक्ष्मी पूजन होता है, उस दिन ये मुहूर्त ट्रेडिंग परफॉर्म की जाती है। तो क्या होता था कि जैसे कि यहाँ पे जो कि मुहूर्त ट्रेडिंग होता है, उस दिन हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से जो सम्मत होता है, तो ये सम्मत जिस दिन होता है, यानी जहाँ पे हिंदू कैलेंडर जहाँ पे चालू होता है वहां से ये जो है कि उस दिन से ट्रेडिंग चालू की जाती है। तो अभी का जो सम्मत है उसका जो टाइमिंग है, जो कि डेट है 2081। तो जैसे कि हमारा 2024 चल रहा है, तो ये 2081। तो यहाँ पे जब भी हिंदू कैलेंडर नया शुरू होता है, तो यहाँ पे ग्रोह की स्थिति ऐसी बनी होती है जहाँ पे हम लोग नया काम को शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि ब्रोकर होते हैं, उनके भी नए बुक्स और अकाउंटिंग शुरू होते हैं। तो इस हिसाब से एक ट्रेडिशन बना है कि इस दिन हम लोग नए शेयर लेते हैं और वो नेक्स्ट ईयर बेचते हैं। तो यहाँ नॉर्मली मुहूर्त ट्रेडिंग का जो ट्रेडिंग टाइमिंग होता है 1 घंटे का होता है। तो ये टाइम जो मुहूर्त ट्रेडिंग है ये 1 नवम्बर को है और इसका जो टाइमिंग रहेगा 5:45 को यहाँ पे प्री ट्रेडिंग होगा, प्री मार्केट ट्रेडिंग, और जैसे कि 6 बजे से लेके 7 बजे तक यहाँ पे ट्रेडिंग होगा। दोस्तों यहाँ पर ट्रेडिंग होता है ये मोस्टली इसके लिए होता है कि हम लोग कोई स्टॉक ले लें और वो अच्छा ग्रोथ दे जो कि फंडामेंटली अच्छे हो, और जैसे कि नेक्स्ट ईयर हम लोग उसको सेल कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि यहाँ पे जो जैसे कि मार्केट अभी डाउन भी आ गया और अच्छे स्टॉक भी यहाँ पे हमको मिल रहे हैं, तो कौन से स्टॉक ऐसे रहेंगे जहाँ पे हम उसको खरीद के नेक्स्ट ईयर उसको बेच सकते हैं, जो कि मुहूर्त ट्रेडिंग पे ट्रेड करना जहाँ पे लक्ष्मी पूजन भी होता है उस दिन, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा रहता है, जिसको हम लोग शगुन समझते हैं। वो टाइम पे ब्रोकर लोग जो कि अपनी पूजा परफॉर्म करते हैं, और ऐसे शुभ मुहूर्त के ऊपर आपको कोई स्टॉक लेना है और अपना पोर्टफोलियो भी शुरू करना है, तो ऐसे कौन से स्टॉक हो सकते हैं ये मैं भी आपको अभी बताने वाला हूँ। तो हम लोग ऐसे 5 स्टॉक देखेंगे और वो आपको पोर्टफोलियो में लेना है कि नहीं लाए, ये आप अपना डिसीजन ले सकते हो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के। लेकिन मोस्टली ये मेरे फेवरेट स्टॉक है, 5 स्टॉक ये मैं आपको बताऊंगा और उसके रीजन भी बताऊंगा। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा चार्ट के ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहले देखते हैं मार्केट, जैसे कि निफ्टी। अगर हम लोग निफ्टी देखेंगे तो बहुत अच्छा करेक्शन हुआ है यहाँ से ऊपर से नीचे, तो ये टाइम भी बहुत अच्छा है कि मार्केट और नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा ये बात नहीं है, लेकिन एक मार्केट हमको कोई सस्ते स्टॉक्स यहाँ पे हमको मिल रहे हैं। तो हम लोग पहला जो स्टॉक रहेगा मेरा, जो कि हम लोग लक्ष्मी पूजन यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग पे ले सकते हैं, वो है मेरा रिलायंस। रिलायंस जो कि सभी से बड़ा स्टॉक है, यानी कि जो कि हाईएस्ट मार्केट कैप है कंपनी का, और जो कि मुकेश अंबानी ग्रुप का है। यहाँ पे अगर हम लोग इस स्टॉक के बारे में देखेंगे तो जो स्टॉक का प्राइस है अभी जो चल रहा है 1343, अगर हम लोग देखेंगे तो इसका रिसेंटली जो है कि ये हुआ था बोनस हुआ था, तो बोनस के पहले इसका जो प्राइस था, तो ये जो प्राइस था 1:1 बोनस हुआ है, तो प्राइस कम से कम यहाँ पे 2600-2700 के आसपास था। अभी आपको बोनस के बाद ये स्टॉक मिल रहा है जो कि 1300 में, तो यहाँ पे 1300 में हम लोग इसको बाय कर सकते हैं, राइट। और ये स्टॉक भी अच्छा है, लास्ट टाइम भी इसका बोनस हुआ था, अगर हम लोग देखेंगे पीछे भी इसका बोनस हुआ था, तो बोनस के बाद फिर से ये स्टॉक ऊपर चला गया। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जो कि स्टॉक आप 3000 के आसपास ले रहे थे वो अभी 1500 में मिल रहा है, और इतना अच्छा स्टॉक है तो, और फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है, तो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसको एक्युमुलेट करो, फिर से इसके बोनस हो जाएंगे और आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। नेक्स्ट जो है कि टाटा मोटर्स। तो देखिए टाटा मोटर्स का जो हाई था 1180 था, और अभी 840 में हमको मिल रहा है, और एक लगभग एक सपोर्ट एरिया के आसपास है, जो कि 800 इसका एक सपोर्ट है। टाटा मोटर्स के बारे में फंडामेंटली अच्छा है, टाटा ग्रुप का है, और ईवी, इसके ईवी जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, तो ये भी आप लेके देख सकते हो आपके पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट जो है कि आईआरसीटीसी।
IRCTC देखिए कि 1139 हाई गया था, अभी 839 चल रहा है। और ये जो स्टॉक है, आपको मालूम है कि ये जो रेलवे का स्टॉक है और उसपे मोनोपोली भी है और गवर्नमेंट का है, तो ये स्टॉक भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो। तो मैंने 3 स्टॉक बताए, लेकिन मैं आपको कुछ और भी बताने वाला हूँ जिसको हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। जैसे कि निफ्टी होता है, वैसे ही ETF होता है उसका, जिसको हम लोग निफ्टी बीज बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी बीज और निफ्टी सेम ही वर्क करता है। और जब भी हम लोग निफ्टी बीज लेते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, कोई स्टॉक 0 हो सकता है लेकिन इंडेक्स कभी 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है कि हमको अच्छी रेट में यहाँ पे निफ्टी बीज मिल रहा है, तो निफ्टी फिर से ग्रोथ होगा, इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो है कि गोल्ड बीज, तो यहाँ पे आपने अगर गोल्ड देखा तो ये MCX के ऊपर है। तो एक्चुअली जो गोल्ड होता है मार्केट में या MCX के ऊपर जो जैसा रन करता है वैसा ये गोल्ड बीज करता है। अगर हम लोग गोल्ड बीज का भी चार्ट देखेंगे तो गोल्ड बीज में क्या होता है कि आप इसको कितने भी टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। और अभी आपने देखा कि जैसे कि वॉर चल रहा है, तो वॉर के टाइम पे यानी मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऐसे टाइम के ऊपर गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनली बढ़ता है और हमारे MCX के ऊपर भी बढ़ता है। तो ये आप ले सकते हो एज ए हेजिंग प्रोडक्ट, क्योंकि क्या होता है कि अगर वॉर हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो गोल्ड तो बढ़ता ही है। अगर आपने बाकी के जो प्रोडक्ट है जो हमारे पोर्टफोलियो में, तो गोल्ड क्या करता है, हेजिंग का काम करता है। और लॉन्ग टर्म में कभी भी देखो कि गोल्ड का प्राइस तो कम नहीं होगा, कोई भी गोल्ड जो है कि आपको रास्ते के ऊपर बेचते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि गोल्ड वैल्यूएबल जो है कि एक मेटल है। तो ये जो 5 स्टॉक है मैं आपको जो रिकमेंड कर रहा हूँ, ये मेरे खुद की चॉइस के, ऐसा कुछ नहीं आप कंपलसरी बाय करना चाहिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के भी आप बाय कर सकते हो, लेकिन जो कि मार्केट नीचे आए उसका मौका ले सकते हो। और मुहूर्त ट्रेडिंग में जिनको पोर्टफोलियो बनाना है, वो आप ये जो अच्छा मुहूर्त है सोमवन का, उसमें आप ये बाय करके इसमें आपका पोर्टफोलियो बना सकते हो और प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और कमेंट भी लिख दीजिए कि और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको नए वीडियो चाहिए। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।